विवेक देशपांडे सर, मैं एक छोटी टिप्पणी आपसे पहले कल की घटना पर ले लूं कि ये घटना कितनी अहम है महाराष्ट्र की सियासत के हिसाब से। विवेक सर, जी राम प्रकाश जी, आपने जैसे शुरू में कहा कि जिस तरह से अपेक्षित था, अब बिल्कुल उसी तर्ज पर ये डिसीजन आया है। कोई अपेक्षा ही नहीं कर रहा था कि स्पीकर साहब उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई निर्णय देंगे, बिल्कुल अपेक्षा किसी की भी नहीं थी। और ये तय था ऑलमोस्ट कि बाजू तो न्याय की तरफ से तो शिंदे जी ही है, उनका गोटी है, और अन्याय तो उद्धव ठाकरे जी ने किया है। इस तरह की पहले से ही एक भूमिका बन गई थी और उसी तर्ज पर यह निर्णय आया है। अब इसमें बहुत सारी, जैसे आपने खामियां गिनाई, एक तो सबसे मजेदार बात है कि अगर एकनाथ शिंदे का गुट जो है वो असली शिवसेना है, तो क्या भाग जाने वाले लोग जो होते हैं वो असली पार्टी होती है? ये जो भाग गए थे सूरत, अरे वहां से फिर गुवाहाटी भाग गए थे, जो ओरिजिनल है, जो मूल पार्टी है, वो कैसे भाग जाती है? और जो जो ओरिजिनल नहीं है, जिसको आपने डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया, अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो आप उसको डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं करते? वो अगर उन्होंने कुछ आउट ऑफ टर्न किया है तो उनको डिस्क्वालीफाई कैसे नहीं करते? तो डिस्क्वालिफिकेशन के लिए कोई ना कोई एक तो एलिजिबल होना ही चाहिए, कोई तो भी एक गुट होना चाहिए। अगर इनका सारा वैलिड है एकनाथ शिंदे गुट का, तो फिर उद्धव ठाकरे जो है उनका गुट वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो कौन सी लीगैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये सवाल है। अच्छा, जब अगर उद्धव ठाकरे जो है उनकी उनका पद का अध्यक्ष होना जो है वो केवल नाम मात्र है, उनको कोई अधिकार नहीं है, जिस तरह से स्पीकर नार्वेकर ने अपने इसमें कहा है कि उनको कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो कहेंगे किसी को निकाल दे सकते हैं, वो कहेंगे किसी को डाल सकते हैं पार्टी में, ऐसा कोई विशेषाधिकार नहीं है। वो केवल जो कार्यकारी मंडल है उसके वो एक अध्यक्ष है, फाइनल अथॉरिटी उनके पास नहीं है। ऐसा कहीं होता है किसी पार्टी में होता है ऐसा? तो ये कहाँ की ये कौन सा पार्टी स्ट्रक्चर है और ये इसका इन्वेंशन कहाँ से हुआ? तो ऐसा अगर है तो फिर इनके सिग्नेचर से जो सारे एवी फॉर्म्स वगैरह गए बाद में, जो भरने के बाद फिर ये सारे चुन कर आए शिंदे वगैरह सब, तो वो भी इनवैलिड होना चाहिए। उद्धव ठाकरे के सिग्नेचर से 2018 के बाद जो कुछ भी हुआ है शिवसेना में, इंक्लूडिंग इन लोगों का इलेक्शन, ये सारा इनवैलिड होना चाहिए। तो ये बहुत सारे सवाल इसमें से खड़े हुए हैं। और इन सब, अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो भरत गोगावले का जो विप करके इन्होंने अपॉइंटमेंट किया था शिंदे गुट ने, वो इलीगल है, इनवैलिड है, ये कहा था। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि भरत गोगावले वाला सही है और वो जो ये ओरिजिनल जो प्रभु जो इनके ठाकरे गुट के जो विप है, वो उनको कोई अथॉरिटी नहीं है, वो इलीगल है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इनसे ऊपर है, ये एक तरह से ट्राइब्यूनल है। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा कि आप ट्राइब्यूनल हो, आप हमारे आदेश के अनुसार आपको काम करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार इनको बताया है। तब जाकर इन्होंने 6-7 महीने के बाद ये अपना निष्कर्ष जो है फाइनल दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट जो आपसे सुपीरियर है कानून के मामले में, उसने जब कहा है कि ये भरत गोगावली का इलीगल है, तो आप इनको लीगल कैसे ठहरा सकते हैं? ये बहुत सारे सवाल इसमें से सामने आए हैं। और ये एक प्रेसिडेंट हो जाएगा कि कोई भी एक धड़ा उठ के भाग जाए, कहीं और जा, कहीं रिसोर्ट में जाके बैठ जाए, किसी और पार्टी के साथ में अपना हाथ मिला ले, और न उस पार्टी के साथ मर्ज हो, न अपनी अलग पार्टी बनाए, और वो जो ओरिजिनल पार्टी है उस पर अपना हक जमा कर बैठे और उसको लीगल और वैलिड घोषित किया जाएगा। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब है। मतलब किस तरह का ये कानून का इंटरप्रिटेशन है, ये समझ से परे है। लेकिन खैर, होना तो यही था, अपेक्षा तो यही थी कि यही होगा। तो इस तरह से अभी जो कुछ भी हुआ है, आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में जरूरी इसलिए है कि ये ना हो कि पब्लिक के बीच में ये इंप्रेशन जाए कि उद्धव ठाकरे हार गए और हार मान लिए। सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन से पहले कुछ इसके ऊपर निर्णय देगा, तो तब तक
सुप्रीम कोर्ट में जब लड़ाई जारी रहेगी तो जनता के बीच में दूसरी लड़ाई चालू हो जाएगी और उसमें फिर ये सारे सवाल जो आज इस निर्णय की वजह से खड़े हुए हैं वो सारे सवाल उद्धव ठाकरे जनता के बीच में ले जाए और जनता भी इन सवालों पर विचार करे कि अगर इस तरह से आप किसी एक गुट को वैलिड करते हो तो आप दूसरे ग्रुप को इनवैलिड क्यों नहीं करते, क्योंकि जी उनको पता है अगर उद्धव ठाकरे की उनको इनवैलिड अगर क्लियर कर देते हैं तो लोगों की सिंपथी जो ऑलरेडी उद्धव ठाकरे पे बनी है वो और भी दुगनी हो जाती, ये पता है। इसलिए वहां पर वो एक प्रोटेक्टिव, एक शील्ड अपने लिए, उद्धव ठाकरे के लिए नहीं अपने लिए इन्होंने बना लिया है। इस तरह का ये निर्णय ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश जी, विवेक देशपांडे सर, एक तो बात, ये तो फैसले को लेकर के बात हो गई, जरा सियासत की तरफ आ जाए हम लोग। सियासत इससे सर कितनी प्रभावित होगी? लोकसभा चुनाव सामने खड़ा है, इंडिया गठबंधन एक तरफ है, आप इंडिया गठबंधन, एक तो सर क्या जो अभी फैसला आया तो उद्धव ठाकरे का गुट जो इस तरीके से है, अब क्या विधानसभा में इन लोगों के बने रहने का कोई मतलब बनता है? एक तो छोटी टिप्पणी इस पर आपकी, दूसरा कि क्या ये जो गठबंधन है इंडिया गठबंधन, इसको जिस तरीके से पॉइंट किया जा रहा था कि अरे सीट शेयरिंग नहीं हो पाएगी, सीटों का फॉर्मूला पे फंस जाएगा, गठबंधन टूट जाएगा, ये सारी चीजें, इंडिया के सामने क्या स्थिति, एनडीए के सामने क्या ये स्थिति खड़ी नहीं है वहां पर कि भाई वो कैसे एडजस्ट करेंगे एकनाथ शिंदे वाले गुट को, फिर अजीत पवार को कहां ले जाकर के फिट करेंगे, क्योंकि भाई जब वो असली शिवसेना हो गए तो अब वो दावा करेंगे मैक्सिमम सीटों का, फिर अजीत पवार अगर वहां से आए हैं तो अपने जितने लोग लेकर के आए हैं उनको और सारे लोगों को चुनाव लड़ाना होगा क्योंकि एक आश्वासन के तहत वो लेकर के आए होंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने जो उनके डैमेजेस हैं जो इधर उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल में मिल रहा है उसको अब वो महाराष्ट्र में पूरा करने का एक ऑप्शन खोजने की कोशिश करेंगे, तो क्या एनडीए के अंदर समस्याएं नहीं होंगी इस फैसले के आने के बाद? हाँ राम प्रकाश जी, समस्या तो होगी। हम तो करीब 4-5 महीने पहले तो ये सोच रहे थे कि शायद बीजेपी का प्लान ऐसा है कि एकनाथ शिंदे जो है उनको निकाल बाहर कर दिया जाए ताकि फिर वो अजीत पवार के साथ में उनका अच्छा एक एसोसिएशन बने, एक कोएलिशन बने। ऐसा कुछ लोग 6-7 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था तो कुछ उस इसी तर्ज पर लोग विचार कर रहे थे कि ये एकनाथ शिंदे और उनका गुट जो है वो गले की हड्डी बन गया है और इसको किसी भी तरह से ये जो भार है कंधे से हटा देना है, ऐसा बीजेपी सोचती है, ऐसा कुछ लोग मानते थे। अब ऐसा है कि एकनाथ शिंदे पक्के हो गए हैं, मतलब वक्त इतना चला गया उसके ऊपर से, पानी इतना बह गया है, ये भी उनको निकालना मुश्किल हो गया है। एक वक्त था बीजेपी उनसे अपना पल्ला झाड़ना चाहती थी लेकिन वो नहीं हो पाया, अभी इतना समय उसके ऊपर से चला गया है कि अभी एकनाथ शिंदे को साथ में लेकर चलना ही होगा और उधर से अजीत पवार है उनको भी साथ में लेकर चलना होगा। लेकिन बात यह है कि 2024 में जब वो इकट्ठा सारे मिलकर लड़ेंगे तब क्या नैरेटिव लेके जाएंगे जनता के बीच में, क्या क्या लिखे जाएंगे? देखिए, एक सबसे पहले 2019 में जब ये शिवसेना के साथ में इनका डिफरेंसेस हो गए तो तब जाकर ये इनके साथ में अजीत पवार के साथ में सरकार बनाने की जो कोशिश की वो लोगों ने देखी है। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी है और 70,000 करोड़ का घोटाला किया और फिर 4-5 दिन में अजीत पवार तो फाइनेंस मिनिस्टर ही बन गए, एकदम फाइनेंस मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये सारी बातें लोगों के जहन में आज भी है, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग बीजेपी क्या कर रही है इसकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं है, या फिर बीजेपी कुछ भी करे तो भी मोदी जी है तो बस हम मोदी जी को देखकर मतदान कर देंगे बीजेपी को, बाकी बीजेपी चाहे कुछ भी कर ले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह का कोई महाराष्ट्र के लोगों के बीच में, महाराष्ट्र के वोटर्स इस तरह इस तर्ज पर सोचेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। बाकी जगह ठीक है, बाकी जगह मोदी जी के जलवा और जादू इतना है कि चाहे कितनी भी खामियां हो बीजेपी में, चाहे कितने भी फेल्यूर्स रहे बीजेपी के, बेरोजगारी रहे, महंगाई रहे, वो सारी चीजें जो है मोदी जी के इमेज के सामने फीकी पड़ जाती है और लोग आंख मूंद कर मोदी जी को वोट कर लेते हैं, पर्टिकुलरली हिंदी बेल्ट। वैसा महाराष्ट्र में नहीं है, उस तरह का एकदम क्या कहते हैं ब्लैंकेट एक अप्रूवल बीजेपी के लिए महाराष्ट्र में नहीं है। जैसा शशि जी ने कहा, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेट है और यहाँ पर जो लीगसीज है वो लीगसीज फुले शाहू अम्बेडकर वाली लीगसी जो है वो आज भी है, उसकी ताकत आज भी, ऐसा नहीं कि पूरा ऐसा अगर होता तो बीजेपी को
देखिए बीजेपी चाहती थी 2019 में कि वो शिवसेना को दरकिनार कर दिया जाए, मतलब शिवसेना देखा जाए तो उनकी आइडियोलॉजिकल पार्टनर रही इतने साल, और शिवसेना के वोट इनको ट्रांसफर हुए, इनके वोट शिवसेना को ट्रांसफर हुए, दोनों चीजें हुई। जेडीयू तो आपका कोई नहीं था, लेकिन आपने जेडीयू के साथ में वहां पे सरकार बना ली, उनका उनको जो मतलब उनकी संख्या कम होने के बाद भी उनका मुख्यमंत्री बना, और जो आपकी आइडियोलॉजिकल पार्टनर है शिवसेना, 25 साल उनके साथ में आपका एसोसिएशन रहा, जब उन्होंने कहा कि 2.5 साल हमारा मुख्यमंत्री, 2.5 साल आपका, वहां तो आपने जेडीयू को 5 साल का मुख्यमंत्री पद दे दिया, और यहाँ तो आपका आइडियोलॉजिकल पार्टनर है, हिंदुत्व वाली पार्टी है, वो सिर्फ 2.5 साल मांग रहा है, आपने देने से इनकार कर दिया। तो आप कित मतलब आप जो हिंदुत्व की बात करते हैं, इसका मतलब आपका हिंदुत्व फेक है। आप जो समाजवादी विचारधारा वाली पार्टी है उसके साथ में आपका ज्यादा प्रेम है, और जो हिंदुत्व वाली पार्टी है उसको आप दरकिनार करना चाहते हैं, इसका मतलब आपका हिंदुत्व ही फेक है। इस तरह का एक नैरेटिव भी सामने आया है। और आखिरकार मिला क्या है बीजेपी को? आप देखिए 2.5 साल तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री वैसे भी बन गए, आपको क्या मिला? बचे हुए जो 2.5 साल है उसमें मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे, वो भी शिवसेना के ओरिजिनली। और अगले इलेक्शन के बाद क्या होने वाला है? क्या देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? अजीत पवार अगर दावा करते हैं मुख्यमंत्री पद का, तो आप किस तरह से उनको, अगर उस समय मुख्यमंत्री पद को लेकर कुछ झगड़ा हो गया तो फिर आपसे अलग हो जाएंगे ये लोग, तो क्योंकि अजीत पवार तो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, उसके लिए आपकी पार्टी में आए हैं। तो ये इलेक्शन में जो आपको मिला क्या है? और अच्छा, ऊपर से और एक जो निगेटिव बात बीजेपी के बारे में फैल गई महाराष्ट्र में, वो ये है कि दो गुजराती मिलकर महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स गुजरात में ले गए हैं, और जिस तरह से महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स को खराब कर दिया है पिछले 5 साल में, पूरी तरह से एक तमाशा बना दिया है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स का, और तो दो गुजराती मिलकर महाराष्ट्र को बर्बाद करना चाहते हैं, इस तरह का भी एक नैरेटिव चला है। तो ये सारी बातें जो है कहीं ना कहीं एक शिवाजी वर्सेस औरंगजेब वाला नैरेटिव भी चल रहा है, मतलब महाराष्ट्र वर्सेस दिल्ली, इस तरह का नैरेटिव भी चल रहा है। और फिर ये मराठा और ओबीसी वाला झगड़ा है, वो क्या वो किस मोड़ पर ले जाएगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को, इसकी आज किसी को इसका अंदाजा नहीं है, बीजेपी को भी नहीं है। वो मराठा वोट लूज नहीं कर सकती और ओबीसी वोट भी लूज नहीं कर सकती। तो ये सारा जो एक आपने ये जो पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में खेला है, उससे आपको मिला क्या है? क्या अचीव किया है बीजेपी ने? तो ये जो मूर्खतापूर्ण पूरी राजनीति महाराष्ट्र में खेली है, उससे उसका खामियाजा अगर बीजेपी को भुगतना पड़े 2024 में तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन ये भी बात सही है कि उद्धव ठाकरे का जो जो ओरिजिनल शिवसेना है और शरद पवार की जो ओरिजिनल एनसीपी है, उनकी ताकत जरूर कम हुई है। ये दो धड़े हो जाने के बाद में उनकी ताकत कम हुई है, कितनी कम हुई है इसका अंदाजा हमें नहीं है। ये कम इनकी कम हुई ताकत और जो कुछ भी एक वातावरण बना है बीजेपी के खिलाफ, वो किस तरह से एक दूसरे को कैंसल आउट करते हैं और फिर से महाविकास आघाड़ी एक ताकत के रूप में उभरती है, ये हमें देखना होगा। आज इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है राम प्रकाश जी। चलते चलते आप तीनों से मेरा एक सवाल विवेक सर आपसे शुरू करूंगा। सर, जब हम सीट बंटवारे की बात कर रहे थे, अभी सीट बंटवारे के लिहाज से अगर हम देखें तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरा एनडीए, किसके सामने दिक्कतें ज्यादा बड़ी दिखाई दे रही हैं? मुझे लगता है कि ज्यादा प्रॉब्लम्स तो ये जो रूलिंग अलायंस है उनको ही होगा, क्योंकि बहुत ही क्या कहते हैं उसको, एक अलग अलग आइडियोलॉजी वाली 3 पार्टियां एक साथ आई है। अब ये ठीक है, शिंदे ग्रुप गुट वाले कहते हैं हम भी हिंदुत्ववादी है, वो सब ठीक है, लेकिन वो हिंदुत्व के लिए थोड़ी आया है बीजेपी के साथ, हिंदुत्व के लिए नहीं आया है वो तो सत्ता के लिए आए हैं। तो हिंदुत्व के नाम पे वो बीजेपी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, ऐसा मानने के लिए कोई स्कोप नहीं है। और अजीत पवार तो वैसे तो सेक्युलर क्रेडेंशियल से आते हैं, वो तो बीजेपी के साथ वो भी सत्ता के लिए आए हैं, तो ये सारा सत्ता का खेल है। उसमें कहीं नहीं, हम हमको तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, इसलिए हम थोड़े से भी गुजारा कर लेंगे, ऐसा शिंदे जी नहीं बोलने वाले और ऐसा अजीत पवार भी नहीं बोलने वाले। तो ये जी सब कहने जी की जी बातें हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, हिंदुत्व वगैरह, तो वो आपस में काफी रस्साकशी उनमें भी होगी।